का एक और सम करते हैं हम लोग, 15, 16, 17 तीनों एक जैसे हैं, 16 सम कर रहा हूँ ठीक है। 2 × 7 पावर n प्लस 3 × 5 पावर n, ये इंटू का साइन है, पॉइंट नहीं बोलोगे आप। माइनस 5 इज डिविजिबल बाय, प्रूव करना है अपने को किस पे, 24 पे। सबसे पहले किस पे, n इज इक्वल टू 1 पे, कितना बन गया, 2 × 7 पावर 1 3 × 5 पावर 1 माइनस 5, रिजल्ट बन गया 2 × 7 कितना हो गया 14, 3 × 5 कितना हो गया 15, माइनस 5 ये हो गया 29, माइनस 5 दिस इज रिजल्ट 24, 24 इज डिविजिबल बाय 24 होता ही है ठीक है। सो इट इज ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू 1 पे। अब किस पे, n इक्वल टू k पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इनकी जगह k डाल दो, कितना बन गया 2 × 7 पावर k 3 × 5 पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24, ये हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने वाला स्टेप आपको पता ही है, एज्यूम करने के बाद आपने क्या करना होता है, इसको डिवाइड बाय 24 दिखा के इक्वल टू a लिखना होता है। उसके बाद 2 × 7 k a जरूर बताना है ग्रेटर देन 0, 2 × 7 k 3 × 5 पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 24 a हो गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ छोड़ना होता है, बाकी सारे उधर भेज देते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, 3 × 5 k प्लस 5, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब n इज इक्वल टू किस पे प्रूव करना है, k प्लस 1 पे प्रूव करना है। अब n की जगह k प्लस 1 डाल दो, जो आपके पास स्टेटमेंट पड़ी थी उसमें n की जगह k प्लस 1 डालोगे तो कितना बन जाएगा, 2 × 7 पावर कितना k प्लस 1, 3 × 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये स्टेटमेंट है, इसमें n की जगह k प्लस 1 डाल के ये बन गया 2 × 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 × 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 प्रूव करना है। फैक्टर बना लो, टुकड़े बना लो, 7 की ही पावर k प्लस 1 है तो 7 की ही पावर के दो टुकड़े होंगे, 7k और 7-1। इसी तरह 3 × 5 की पावर k अलग और 5 की पावर 1 अलग, 2 × 7k की वैल्यू हमने बना के रख रखी है, ये पड़ी डाल दो यहाँ पे, 24a 3 × 5 पावर k प्लस 5 इंटू में कौन बैठा है 7, ये कौन, ये 5 पावर k, तो मल्टीप्लाई किसी से हो नहीं सकता, पर 5 और 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 5 × 3 15 हो गया, 15 × 5 k 7 को अंदर भेज दो, 24 × 7 है, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 21 × 5 पावर k 7 इससे मल्टीप्लाई तो 35 प्लस 15 × 5 k माइनस 5। अब 24 × 7 है, 21 × 5 k और 21 × 5 k और 15 × 5 k प्लस का कितना बचेगा, 6 × 5 k बचेगा ठीक है, क्योंकि 21 में से 15 जाएंगे तो 6 ही बचेगा और वो जो इंटू में पड़ा है वो तो बैठा ही जाएगा, और 35 में से 5 गए तो 30 बचेगा। पूरी लाइन से 24 कॉमन अगर निकलता है तो फिर अपना आंसर डायरेक्ट ही प्रूव हो जाता है, क्योंकि 24 ही तो डिविजिबल प्रूव करना है तो वो कॉमन आना चाहिए था। अब 24 कॉमन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो। यहाँ दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 5k माइनस 5, ये 24 बैठा ही है, ये 24 बन सकता है अगर 6 के साथ, ऐसा क्या मल्टीप्लाई आ जाएगी 24 हो जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए, तो ये जो आपके पास यहाँ 6 के साथ जो दिखाई दे रहा है ना वो यहाँ साइड में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि 5k माइनस 5 जो है ना वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 है, ये जो साथ में पड़ा है ना ये जो वो डिविजिबल बाय 4 है। अगर आप k की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, रिजल्ट जो आएगा ना वो जरूर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, और जो स्टेटमेंट डिविजिबल बाय जो भी होती है तो आप उसको डिवाइड बाय 4 दिखाकर इसको इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं। तो हमने a नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि a हमने स्टेटमेंट में ऊपर लिख लिया है सम में, बी ग्रेटर देन 0 ठीक है। जब कोई चीज डिविजिबल बाय होती है तो उसको डिवाइड बाय करके इक्वल टू बी लिख दिया बस, और ये 5k माइनस 5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4b, तो इसकी जगह हमने 4b लिख दिया, इंटू में 6 पड़ा ही है तो बन गया 6 × 4 कितना हो गया 24, और 24 ही कॉमन आना चाहिए था बस, 24 कॉमन आते ही अंदर जो मर्जी बच जाए, बस बाहर 24 कॉमन आ गया तो ये स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 24 प्रूव होगी। लास्ट लाइन जरूर लिखनी है 100 बाय PMI ठीक है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेस देन या ग्रेटर देन वाले सम आ जाएंगे, तो बाय PMI से फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, सभी नेचुरल नंबर पे बात प्रूव करनी है। सबसे पहले वही एन इज इक्वल टू 1 पे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, राइट हैंड साइड में भी एन की जगह 1 डाल दो, 1 डालोगे तो 1³/3 1/3 होगा। तो हमने ये देखा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन राइट हैंड साइड होनी चाहिए, तो क्या हमारा 1 जो है वो ग्रेटर है 1/3 से, 1 ग्रेटर ही होता है 1/3 से,
सो इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू किस पे, वन पे। अब एन इक्वल टू के पे एज्यूम कर लो, एज्यूम में वही सारी लाइन लिख दो, एन की जगह के डाल के, वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर प्लस के स्केयर ग्रेटर देन कितना, के क्यूब बाय थ्री। अब आपको ये बताया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से, जैसे 12 बड़ा होता है 5 से, तो अगर आपके पास 12 बड़ा है 5 से तो आप 5 में कुछ ऐड करोगे तभी दोनों बराबर हो सकते हैं ना। तो यहां तो अपने को 12 और 5 पता था इसलिए हमने 7 ऐड कर दिया, यहां तो नहीं पता ना लेफ्ट क्या है राइट क्या है, बस ये पता है लेफ्ट बड़ा है राइट छोटा है, तो हम भी उधर जो भी करना है उधर ही करना है। अगर वो चीज आपके पास छोटी पड़ी है वो छोटा है तो उसमें समथिंग आप ऐड कर दो, समथिंग क्या, जैसे वो डिविजिबल वाला सम होता था डिवाइड बाय मतलब करके ए इक्वल टू लिखते थे, यहां हमने कुछ ऐड करना है तो अगर ये चीज छोटी है तो ए ऐड कर दो, अगर ये चीज बड़ी होती तो माइनस ए कर देते ताकि बीच में क्या साइन लग जाए ए, ये यहां जरूर बताना है पॉजिटिव नंबर है, बस ये हमने इक्वल का साइन यूज करना था, हो गया। अब एन इज इक्वल टू किस पे, के प्लस वन पे प्रूव करने वाला काम, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन दिस है तो समथिंग प्लस कर दो उधर की साइड, अगर ये वाला साइन होता, अगर ये वाला साइन होता तो फिर आप माइनस ए कर देते। आगे बात समझ, प्रूव करने वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर के प्लस वन स्केयर ग्रेटर देन, एन की जगह के प्लस वन डाल दिया, के प्लस वन क्यूब बाय थ्री, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास कितनी, वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर के प्लस वन स्केयर फैक्टर, और लास्ट से पहले वाला लिखते हैं हम लोग हमेशा, तो इससे पहले वाला के स्केयर के प्लस वन का होल स्केयर तो पड़ा ही है, ठीक है हमको पता है इससे पहले वाला कौन होता है, जो एज्यूम में लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट होता है वही उससे पहले वाला होता है, वन स्केयर से लेकर के स्केयर तक की वैल्यू अपने पास पड़ी है वो पड़ी, वो यहाँ पे रख दो, के क्यूब बाय थ्री प्लस ए, और ये के प्लस वन होल स्केयर पड़ा ही है, बस कुछ नहीं एलसीएम लो, फिर एलसीएम लेके अपनी राइट हैंड साइड जैसी चीज यहाँ ढूंढ रही है अपने को, एलसीएम लिया के क्यूब थ्री ए थ्री ब्रैकेट के प्लस वन स्केयर के क्यूब थ्री ए थ्री ब्रैकेट के स्केयर प्लस वन प्लस टू के डिवाइड बाई थ्री, ये बन गया के क्यूब थ्री ए थ्री के स्केयर थ्री सिक्स के डिवाइड बाई थ्री। अब आपको जो अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा था के प्लस वन का होल क्यूब, इसका क्यूब खोल के देखो अपने माइंड में, या रफली खोल के देख लो, के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्केयर प्लस थ्री के, ठीक है डिवाइड बाई थ्री, के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्केयर प्लस थ्री के, ये चारों चीजें यहाँ पर ढूंढ लो, आपके पास पड़ी है क्या, के क्यूब ये बैठा के क्यूब, थ्री के स्केयर वो भी बैठा थ्री के स्केयर, थ्री के वो यहाँ सिक्स के में से निकाल लेते हैं हम लोग, के क्यूब थ्री के स्केयर सिक्स के में से थ्री के निकाल दिया, थ्री के पीछे लिख दिया बचा हुआ, थ्री के सिक्स के ही होता है ना, इस थ्री में से वन और निकाल लो, वो क्यों, वो देखो वन भी तो चाहिए ना, वन निकाल के प्लस का टू पीछे रख दिया, क्योंकि तीन का मतलब एक प्लस दो होता है, एक यहाँ रख दिया दो वहां रख दिया, और जो बीच में बैठा था वो एक्स्ट्रा थ्री ए बैठा ही था। अब आपने वो चारों चीजें बना ली हैं जो आपको आंसर में चाहिए, यानी कि ये इन चारों से मिलकर बनता है के प्लस वन का होल क्यूब, इन चारों का मतलब यही होता है के प्लस वन होल क्यूब, और साथ में जो बैठा है वो बैठा ही है थ्री ए प्लस थ्री के प्लस टू डिवाइड बाय थ्री, तो ये जो डिवाइड वाला थ्री है वो दोनों के नीचे अलग अलग करो, ये बन गया अपना कितना थ्री के के प्लस वन होल क्यूब बाय में थ्री अलग, और थ्री ए प्लस थ्री के प्लस टू के डिवाइड बाय थ्री अलग। अब आपको अपना आंसर मिल चुका है, आंसर आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, के प्लस वन का होल क्यूब बाय थ्री वो मिल चुका है, पर उसमें बहुत कुछ प्लस है, इसलिए जब आपके पास 12 में कोई चीज एडिशन पड़ी होगी तो वो ग्रेटर देन तो 12 होगा ही होगा ना, तो इसमें कोई चीज प्लस पड़ी है तो ये ग्रेटर देन तो होगा ही होगा ना, इसमें कोई चीज प्लस पड़ी है वही चीज ग्रेटर देन दिस, ये अपने को प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड उठा करके ग्रेटर देन प्रूव करनी, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा करके ग्रेटर देन प्रूव करके लिखा था, ठीक है। हाँ बेटा देखो 22 नंबर सम एक और लेस देन ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग के एक सम करके देखते हैं हम लोग, प्रूव करके देखते हैं, बाय पीएमआई से ही प्रूव करना है, पर एन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री का मतलब होता है कि आपको थ्री और थ्री से ग्रेटर पे ही प्रूव करना है, थ्री और थ्री से ग्रेटर पे प्रूव करने का मतलब है कि आपने स्टार्ट वन से नहीं करना, एन इज इक्वल टू थ्री से करना है, ठीक है। सबसे पहले अब एन इज इक्वल टू थ्री डालेंगे दोनों तरफ, ये बन गया थ्री स्क्वायर टू ब्रैकेट थ्री,
थ्री स्क्वायर कितना हो गया 9, मैंने दोनों तरफ डाल दिया और ये होगा 6, यानी 9 ग्रेटर देन 6 होता ही है, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3 पे. 1 से स्टार्ट नहीं करना, बोला ही जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, फिर उसके बाद वाला स्टेप k पे एज्यूम करना, n की जगह k डाल दिया, k स्क्वायर ग्रेटर देन 2k, ठीक है. अब हमको ये बताया कि ये चीज ग्रेटर है और वो चीज छोटे वाली है. जो चीज छोटी होती है ना, मतलब उधर वाली साइड में आपने जो भी काम करना है, अगर वो छोटी है तो आप प्लस कर दो कोई चीज ताकि दोनों बराबर हो जाएं, और यहां पे बता दो ए ग्रेटर देन जीरो. पहले भी एक सम आया था, मैंने उसमें भी आपको क्लियर किया था, अगर ये चीज ग्रेटर होती तो हम माइनस ए कर देते, ठीक है. एन इजिकल टू के प्लस वन पे प्रूव करना है, ये बन गया के प्लस वन स्क्वायर ग्रेटर देन टू ब्रैकेट के प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, यानी के प्लस वन स्क्वायर, स्क्वायर खोल लो, क्या बन गया के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के, के स्क्वायर की वैल्यू डाल दो जो आपके पास बनी पड़ी है इक्वेशन वन में, टू के प्लस ए प्लस वन प्लस टू के. अब जो आंसर में चाहिए आपको, आंसर में क्या चाहिए थोड़ा सॉल्व करके देख लो, टू के प्लस टू चाहिए आपको, तो यहां पे देखो टू के प्लस टू बैठा है भाई, टू के तो बैठा है, प्लस टू तो कहीं नहीं है, वन तो है ना, वन तो लिख दो, वन में अगर वन और ऐड कर दे तो टू बन जाएगा, हमने इसके अंदर वन ऐड किया तो वन बाद में माइनस भी लिख दिया, यानी कि हमने अपना आंसर बनाने के लिए यहां पर बाय हुक और क्रूक कुछ ना कुछ कर ही लेना है, पर जैसे हमने वन प्लस किया है तो बाद में माइनस भी लिख दो, और साथ में कौन बैठा है, प्लस ए भी बैठा है, और साथ में कौन बैठा है, टू के भी बैठा है, यानी कि हमने तो टू के प्लस वन लिख लिया और वन में वन ऐड कर दिया, टू बन गया और वन पीछे माइनस कर दिया, बाकी बचे हुए पीछे, तो 2k प्लस 2 बन चुका है, पर उसमें बहुत कुछ क्या पड़ा है, अभी भी प्लस पड़ा है, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया, ये वाली चीज ग्रेटर है इससे, ये हमको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड उठाकर चले और ग्रेटर देन प्रूव कर दिया ये, यानी अपने को इन दोनों में अपना आंसर जरूर दिखाना है, वो हमने बना लिया, आंसर ये वाला था, ठीक है. जितने भी लेस देन ग्रेटर देन के सम होते हैं ऐसे ही प्रूव करने होते हैं. एक सम और देखो प्रूव करना है, n स्क्वायर प्लस n इज इवन, सबसे पहले n इजिकल टू 1 पे, ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस 1, रिजल्ट कितना हो गया 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 इवन ही होता होगा, ठीक है. अब n इजिकल टू किस पे, k पे एज्यूम कर लिया, ये बन गया k स्क्वायर प्लस k इज इवन, ये हमने इक्वेशन 1 हो गई. अब n इजिकल टू किस पे, k प्लस 1 पे प्रूव करना है, n की जगह k प्लस 1 डाल दिया, ये बन गया k प्लस 1 स्क्वायर और ब्रैकेट k प्लस 1 इज इवन, ये प्रूव करना है अपने को. प्रूव करने के लिए उठा लेते हैं हम लोग इसको, ये बन गया k प्लस वन स्क्वायर और k प्लस वन स्क्वायर खोला, ये बन गया k स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के और प्लस k प्लस वन बैठा ही है. अब इसमें से वो चीजें ढूंढो जो आपको इक्वेशन वन में पता है, इक्वेशन वन में तो k स्क्वायर और प्लस k चाहिए आपको, ये बैठा k स्क्वायर, ये बैठा k, ये दोनों पहले लिख लिया हमने, ठीक है. बाकी बचे हुए पीछे लिख दिए, बाकी बचे हुए कौन से, एक तो 2k, एक 1 और 1 2, तो ये तो अपना k स्क्वायर प्लस k इवन है ही, पार्ट फर्स्ट हो गया, और ये 2 कॉमन ले गए, ये पार्ट सेकंड हो गया, क्योंकि जिसके बाहर 2 कॉमन आ जाए वो इवन ही होता है. पार्ट फर्स्ट इज इवन, पार्ट सेकंड इज इवन, ठीक है, पार्ट फर्स्ट इज इवन, पार्ट सेकंड इज इवन, सो देयर सम आल्सो इवन, ठीक है, होगा प्रूफ.